अस्सलाम वालेकुम अक्वेरियस, मेरा नाम है शाहजेब। मैं लाया हूँ आपके लिए वीकली होरोस्कोप। 26 अप्रैल से लेकर 2 मई 2021 तक का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कैसा गुजरेगा, मगर सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता जाऊँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक टाइम से पहुँच जाए। और अपने पॉजिटिव फीडबैक का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीकली प्रिडिक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि सन इस वक्त टॉरस में है, यानी जो कि आप लोगों का फोर्थ हाउस बनता है, तो ओवरऑल वालदा से लेकर जो मामलात हैं, बड़ी बहन से रिलेटेड जो मामलात हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात हैं, गाड़ियां, माल मवेशी वगैरह, या घर घरेलू सुकून से रिलेटेड जो मामलात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा उस इस पूरे महीने में। 26 को मून जो है वो लिब्रा में होगा, अल्लाह ताला की खास रहमत होगी इस दिन आप पर, लक आपको फेवर करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको अचानक से कहीं से दौलत मिल सकती है, आपका प्राइस बॉन्ड निकल सकता है, आपकी लॉटरी लग सकती है, आपको कहीं से गिफ्ट मिल सकता है। वो लोग जो आला तलीम हासिल करने दूसरे ममालिक गए हुए हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छा टाइम है। आप अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं या जिनके गैर मुल्कियों के साथ, फॉरनर्स के साथ तल्लुकात हैं, तो उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो कि नई दरियाफ्त कर रहे हैं या रिसर्चिस पे काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप दूसरों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के लिए फलाह बहबूद के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 27 और 28 को मून स्कॉर्पियो में आ जाएगा, तो इस दिन वो तमाम लोग जो कि बिजनेस मैन हैं, जो कि उनको बेनिफिट होगा, वेल्थ मिलती हुई नज़र आ रही है, इज़्ज़त और शोहरत मिलती हुई आपको नज़र आ रही है, माशी और माशरती तरक्की मिलती हुई नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि पॉलिटिक्स में हैं, उनका इक्तदार मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है, उनके अवाम के सोशल सर्कल में पज़ीराई मिलती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो कि जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो वालिद हैं, अगर उनको कोई हेल्थ इश्यूज थे, उसमें बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी वालिद के माशी हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं इन दो दिनों में। 29 और 30 को मून जो है वो सैजिटेरियस में आ जाएगा, आपके जो तल्लुकात हैं अपने बड़े भाइयों से, आपके घर के बड़ों से, वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके घर के बड़े, आपके बड़े भाई आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको उनसे फ़वाद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो तिजारत करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये दो दिन आपकी ज़हनी और ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के दिन हैं। वो लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये दो दिन बहुत बेहतर है। इसके अलावा वो लोग जो कि दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दो दिन बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो उनमें भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सेकेंड चाइल्ड की एजुकेशन के लिहाज से भी ये दो दिन जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 1 और 2 को मून कैप्रिकॉन में आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेंशन की ज़रूरत है, सदका खैरात करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप इखराजात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन हो सकता है, आपको अपनी वाइफ या अपने पार्टनर की वजह से ज़हनी टेंशन डिप्रेशन हो सकता है। वो लोग जिनका कोई अदालत में मुकदमा चल रहा है इस दिन में, जिनकी डेट है, हेयरिंग है, या वो जिन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया, उनको ज़रा मुश्किलात हो सकती है। वो लोग जो जेल में और ज़मानत के लिए अप्लाई किया, उनको मुश्किलात हो सकती है। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप रेमेडी यही है कि अल्लाह ताला से दुआ करें। रमज़ान का महीना चल रहा है और सदका किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, क्योंकि सदका मौत के अलावा हर चीज़ को टाल देता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। शुक्रिया।